हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो अभी तक हम अपने चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन 11 तक कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। टैगोर लिमिटेड ने क्या किया? टैगोर लिमिटेड ने क्या किया? टैगोर लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया किससे? फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख। तो जो परचेज कंसिडरेशन है, क्या है ये परचेज कंसिडरेशन? कितना गिवन है परचेज कंसिडरेशन? ₹48 लाख। पेबल बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमें कैसे पे करना है? बाय इशूइंग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। हमने क्या किया, जो ऐसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था कि हमने क्या किया था कि वेंडर्स को फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशू कर दिए। यहाँ भी हमने क्या किया, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशू कर दिए ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम कितना है? 20%। तो 20% मीन्स 20 + 20 का 20% 4। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? ₹24। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो क्या क्या गिवन है? एसेट्स में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी ₹25 लाख, स्टॉक गिवन है ₹15 लाख, सन्ड्री डेटर्स गिवन है ₹8,60,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितनी गिवन है? ₹3 लाख। दिस इज क्रेडिटर्स। तो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। हमने क्या करना है, टैगोर लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन गिवन है कितना? ₹48 लाख। टैगोर लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया किससे? तुलसी ब्रदर्स से। एसेट्स कितने की परचेज की? प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी है एसेट्स की? एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है? 25 लाख + 15 लाख + 8,60,000, 48,60,000। उसने परचेज कितने की की एसेट? 48,60,000 की। क्रेडिटर्स कितने के थे? 3 लाख के। तो मीन्स उसने कितनी टोटल वैल्यू कितनी परचेज की? 48,60,000 माइनस 3 लाख मीन्स 45,60,000। बट जो परचेज कंसिडरेशन पे किया वो कितना किया? 48 लाख रुपीज। कितना किया? 48 लाख रुपीज। ज्यादा पे किए, उसको वैल्यू तो रिसीव हुई 45,60,000 बट पे किए 48 लाख रुपीज। 48 लाख रुपीज मतलब जो उसने जो एक्सेस पे किया, एक्सेस पेड बाय टैगोर लिमिटेड, वो क्या है? गुडविल। उसने की क्यों पे किया एक्स्ट्रा? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगी? गुडविल 48 लाख - 45,60,000 एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 2,40,000। क्योंकि उसने ज़्यादा पे किए, एसेट्स थी 48,60,000 की, लाइबिलिटीज थी 3 लाख की, तो नेट वैल्यू उसको कितनी मिली? 45,60,000 की। बट पे कितना किया? 48 लाख। ज़्यादा पे किया, मिला कम, पे ज़्यादा किया। तो मीन्स जो बच गया वो क्या है? गुडविल। तो जो उसने एक्सेस पे किया वो किस लिए पे किया? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 2,40,000। अब उसने क्या किया, इक्विटी शेयर्स इशू किए 48 लाख रुपीज के। क्या किए? इक्विटी शेयर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। उसने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किए? परचेज कंसिडरेशन कितना है? 48 लाख रुपीज। शेयर एक कितने का है? 20 रुपीज फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम है, मीन्स 4 रुपीज प्रीमियम है। तो पर वैल्यू शेयर कितना है? 24 रुपीज। तो सो इफ वी इशू फॉर 24 रुपीज वन शेयर, फॉर 1 रुपी 1/24 शेयर, तो हमें कितने रुपीज देने हैं? 48 लाख रुपीज। तो 48 लाख के लिए कितने इशू करेंगे? 48 लाख/24। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए? 48 लाख/24 मीन्स 2 लाख शेयर्स। तो अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट रेडी किया, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, एसेट्स और लाइबिलिटीज रिसीव की थी, तो एसेट्स को वो क्या करेगा? डेबिट कर देगा।
क्या क्या रिसीव किया? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, कितनी कितनी वैल्यू है? 25 लाख, 15 लाख, 8,60,000। और क्या रिसीव किया? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। हम क्या करते हैं? एसेट्स हमने रिसीव किया, एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। और हमने क्या करना है? तुलसी ब्रदर्स को पे करने हैं। कितने पे करने हैं? हमने किससे बिजनेस परचेज किया? तुलसी ब्रदर्स से। तुलसी ब्रदर्स क्या पे करना है इसको? परचेज कंसिडरेशन। कितना गिवन है परचेज कंसिडरेशन? हमने कितने पे किए तुलसी ब्रदर्स को? 48 लाख रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे? 3 लाख के। तो मीन्स हमने एक्चुअली पे किए, बट हमें रिसीव हुई वैल्यू इतनी। तो जो बच गया वो क्या था? हमारा गुडविल। क्या था? गुडविल। बैलेंसिंग फिगर कितनी है? 48 लाख प्लस 3 लाख 51 लाख, माइनस 48,60,000। तो अमाउंट कितनी आई? 2,40,000 रुपीज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे किया। हमने क्या किया? जितनी हमने नेट वैल्यू रिसीव की, नेट एसेट्स रिसीव की, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो जो हमने नेट एसेट्स रिसीव की और जो हमने उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन पे किया, परचेज कंसिडरेशन हमने पे किया है ज्यादा, जो नेट एसेट्स रिसीव की है वो की है कम, तो जो बच गया मीन्स वो गुडविल है। हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि हम ये कैसे करेंगे, जो बच गया वो क्या है? गुडविल। तो अब हमें क्या करना है? जो ये तुलसी ब्रदर्स है इसको पेमेंट करनी है। क्या करेंगे? तुलसी ब्रदर्स अकाउंट कितना था परचेज कंसिडरेशन? 48 लाख रुपीज। क्या पे किया हमने तुलसी ब्रदर्स को? हमने क्या किया? इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए? हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, कितने शेयर्स इशू किए? 2 लाख शेयर्स। और पर शेयर वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितने की है? 2 लाख इंटू 20 मीन्स 40 लाख रुपीज। और किस पे इशू किए थे? प्रीमियम पे। तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमने हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना होगा अमाउंट? 2 लाख इंटू कितना था प्रीमियम? 4 रुपीज पर शेयर। तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपीज। हमने क्या किया? 48 लाख रुपीज तुलसी ब्रदर्स को पे करने थे, तो 48 लाख रुपीज पे करने के लिए हमने क्या किया? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, फुल्ली पेड। तो हमने क्या किया? शेयर कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। हम शेयर कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम पब्लिक को इशू करते हैं शेयर्स, तो पब्लिक से हम पार्ट्स में पैसा मंगवाते हैं, हम उसे एप्लीकेशन पर मंगवाते हैं, अलॉटमेंट पर मंगवाते हैं और कॉल मनी से मंगवाते हैं। बट यहाँ हमने क्या किया? फुल्ली पेड शेयर इशू कर दिए। तो हमने सारा का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी है पर शेयर फेस वैल्यू? 20 रुपीज। तो हमने 20 रुपीज का शेयर कैसे इशू किया था? 4 रुपीज पर प्रीमियम पर। तो हमने 48 लाख पे करने थे, जो एक शेयर की वैल्यू कितनी, वो कितनी थी? 20 प्लस 4, तो मीन्स 48 लाख डिवाइडेड बाय 24। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 2 लाख शेयर्स। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमें पूरा अमाउंट ट्रांसफर करना है वो कहाँ ट्रांसफर करना है? इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? जितना हमने अमाउंट पे किया, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय शेयर की फेस वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 24 रुपीज। तो कितने शेयर इशू कर लिए? 2 लाख। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ हो गया कंप्लीट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13। एक्स लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड थी एक कंपनी, उसने क्या किया? वाई लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज कर ली, टुक ओवर कर ली। क्या क्या लिया? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने के गिवन है? 20 लाख रुपीज। स्टॉक 5 लाख रुपीज।
सन्ड्री डेटर्स कितनी है वैल्यू? 2,50,000 रुपीज एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मीन्स ये क्या है, लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख रुपीज की। क्या गिवन है? एक्स लिमिटेड ने जो परचेज कंसिडरेशन था वो कैसे पे किया? पेड बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। क्या किया? बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया। कितने का? ऑफ रुपीज 16 लाख का एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स। और क्या किया? 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए ऑफ रुपीज 20 पर शेयर। की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो मतलब ये जो 20 रुपीज है इसको हमने कैसे इशू किया? 10% प्रीमियम पर। सो वी हैव टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पर पास करनी है और परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 50,000। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? परचेज कंसिडरेशन। यहाँ हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। पर शेयर की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। बट ये जो 20 रुपीज है क्या है ये? दिस इज फेस वैल्यू। हमने जो शेयर इशू किया वो कैसे किया? प्रीमियम पर। कितना? 10%। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपीज प्लस 10% ऑफ 20 रुपीज इज 2 रुपीज। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी है? 22 रुपीज। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 50,000। तो मीन्स जो हमने शेयर्स इशू किए उसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000 इंटू 22 रुपीज 11 लाख रुपीज। तो हमने जो परचेज कंसिडरेशन पे किया वो कैसे किया? बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ 16 लाख और इक्विटी शेयर्स जो इशू किए उनकी वैल्यू थी 11 लाख। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी आई? 27 लाख रुपीज। ये क्या है? हमारा परचेज कंसिडरेशन। और जो हमें नेट एसेट्स रिसीव हुई उनकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपीज प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000। कितना हुआ? 27 लाख 50,000। जो हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया वो कितने का किया? 27 लाख का। जो लाइबिलिटीज रिसीव की थी वो कितने की थी? 2 लाख की। तो मीन्स जो नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 25 लाख 50,000। परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 27 लाख। मीन्स जो एक्सेस हमने पे किया, हमने क्या किया? पे किया ज्यादा। हमें जो वैल्यू रिसीव हुई वो हुई इतनी और जो हमने पे किया वो किया इतना। तो हमने तो ज्यादा पे कर दिया। तो जो ज्यादा पे किया, जो एक्सेस पे किया वो क्यों पे किया हमने? हमने वो पे किया बिकॉज ऑफ गुडविल। किस लिए पे किया? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 27 लाख माइनस 25 लाख 50,000 एंड द अमाउंट विल बी 1,50,000 रुपीज। अब हमें जिस जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे? हमारी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले हमने क्या किया? एक्स लिमिटेड की बुक्स में जर्नल का फॉर्मेट रेडी किया। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया? एसेट्स रिसीव की। कौन कौन सी एसेट्स रिसीव की? नंबर वन लैंड एंड बिल्डिंग। और क्या किया? रिसीव स्टॉक। और क्या किया? डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। कितनी है वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की? 20 लाख रुपीज। स्टॉक की 5 लाख रुपीज एंड डेटर्स 2,50,000। और हमने क्या लिया? लाइबिलिटीज। क्या लिया? लाइबिलिटीज में क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं हमारे क्रेडिटर्स? 2 लाख रुपीज। और हमने किसको पे करने हैं? किससे रिसीव किया? वाई लिमिटेड से। हमने वाई लिमिटेड की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो टेक ओवर की हैं। तो वाई लिमिटेड का परचेज कंसिड्रेशन कितना आया था? हमारा परचेज कंसिड्रेशन का अमाउंट 27 लाख रुपीज। कितना आया था? 27 लाख रुपीज। 16 लाख बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट एंड 11 लाख बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो 27 लाख रुपीज। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 27 प्लस 2 29 लाख रुपीज। रिसीव हमें कितना हुआ? 20 प्लस 5 प्लस 2,50,000 मीन्स 27,50,000। तो जो बच गया वो क्या है? गुडविल। हमने जो एक्सेस पे किया वो क्यों पे किया? बिकॉज ऑफ गुडविल। जो हमने वैल्यू रिसीव किया एसेट्स और लाइबिलिटीज की उसकी वैल्यू कम थी
और जो हमने पे किया वो ज्यादा किया, तो जो बच गया वो हमने क्यों किया? बिकॉज ऑफ गुडविल। अमाउंट कितनी आई? 1,50,000। अब हमने क्या करना है? वाई लिमिटेड को पेमेंट करनी है, परचेज कंसिडरेशन पे करना है। कितना पे करना है? 16 लाख बाई इशुइंग, बैंक ड्राफ्ट 11 लाख बाई इशुइंग चेक। कितना पे करना है? 27 लाख। हमने यहाँ वाई लिमिटेड को कितने से क्रेडिट किया? 27 लाख से। डेबिट भी कितने से करेंगे? 27 लाख से। कैसे पे किया? पहले बाय बैंक। कैसे पे किया? बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया? 16 लाख। और कैसे पे किया? क्या किया हमने? इशू इक्विटी शेयर्स इशू किए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 इक्विटी शेयर्स। पर शेयर वैल्यू कितनी है? पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। तो मीन्स हमने 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की। और क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जो हमने शेयर इशू किए वो कैसे किए? एट प्रीमियम। तो कितना है हमारा प्रीमियम? 50,000 इंटू 2 रुपीज। कहाँ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितनी हो गई वैल्यू? 1 लाख रुपीज। तो 16 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 27 लाख रुपीज। नरेशन क्या होगी? बींग परचेज कंसिडरेशन पेड टू वाई लिमिटेड बाई इशूइंग बैंक ड्राफ्ट एंड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट गिवन थी, हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने थे। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है और हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें क्या गिवन है? इसमें भी हमें परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट गिवन है, हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो कैसे किए हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। और इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।